राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे युवा निगम पार्षद। यूं तो आम आदमी पार्टी ने युवाओं को ही ज़्यादा महत्व दिया और दिल्ली की मेयर तक युवा हैं, लेकिन वार्ड नंबर रमेश नगर 91 से पुनीत राय यंग हैं और शिक्षित हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और राजनीति के क्षेत्र में ये आए, इसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। क्यों इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है काफ़ी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और इनके परिवार ने एक से बढ़कर एक राजनेता इस देश को और इस प्रदेश को देने का काम किया और रमेश नगर के मतदाताओं ने एक ऐसे युवा को अपना निगम पार्षद के रूप में चुना है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है जो कि यह खानदानी राजनीतिज्ञ है और क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीद है जो कि ये अच्छा काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो सपना है दिल्ली को सुंदर बेहतर बनाने का, उसमें ये अपना पूर्ण योगदान देंगे। पुनीत जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद ललित जी मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। पुनीत जी, आप सबसे पहले हम यहीं से शुरू करें जो कि आप अपने बारे में इस चैनल के माध्यम से देश को बताइए कि आप पढ़ लिख कर करके मीडिया के क्षेत्र में जाने की जगह या किसी अन्य क्षेत्र में जाने की जगह आप राजनीति में ही क्यों आए? ललित जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो 12th तक की शिक्षा है वो मैंने दिल्ली से करी, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट डिग्रीज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी राजधानी कॉलेज से कंप्लीट करी। उसके बाद मास कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी गया एक साल के लिए, वहाँ से मैं एक साल का डिप्लोमा करके वापस आया। मैंने कुछ फिल्में भी बनाई। उसके 2009 के अंदर मैंने शुरू से, जब मैं देखता था कि मेरी मदर जो है वो शुरू से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो 2009 में मैंने अपनी एक एनजीओ तैयार करी जिसका नाम युवा शक्ति था। युवा शक्ति के माध्यम से हमने 15,000 युवाओं को अपनी उस एनजीओ के अंदर जोड़ा। उसके भी अंदर हम सिर्फ जो है पब्लिक की ग्रीवियंसेस ही सॉल्व करते थे। करते करते फिर 2009 से 2013 तक वो युवा शक्ति हमारी चलती रही। 2014 में मैं थोड़ा अपने बिजनेस की तरफ इंक्लाइन हो गया। हमारे होटल हैं पहाड़गंज के अंदर और हमारा बैंक्वेट हॉल है जैसे कि आप जानते हैं, और कुछ मेरा एक्सपोर्ट का भी काम रहा है, राइस का मैंने एक्सपोर्ट बहुत किया है यहाँ से, इंडिया से। तो ये काम करते करते कुछ साल मैंने अपने बिजनेस को दिए, मगर जब 2019 में मेरी मदर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया तो मुझे कुछ आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है वो बड़ी अच्छी लगी। जब मेरे को ये लगा कि ये ऐसी पार्टी है जिसके जिसके साथ मैं, जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, तो मैंने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात करी जो कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े। अब चूंकि आप पत्रकारिता की बात कर दिया तो मुझे चर्चा करना पड़ेगा आपकी माता जी का, अंजलि राय जी का, जो कि दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाच करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बाद में वो MLA हुई जी और कांग्रेस पार्टी में रही जी, और बाद में MLA भी रही पहाड़गंज से जी, और 10 साल और यहाँ मोती नगर विधानसभा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। 2009 में लड़ा। 2009 में मदनलाल खुराना के सामने, 1995 में लड़ा, फिर 2009 में लड़ा। आपकी माता चूंकि मीडिया में भी रही हैं, आपकी माता राजनीति में है, तो आपके शरीर में वह खून है, राजनीति का भी खून है और पत्रकारिता का भी खून है। जी सर। अब देखिए, ये पुनीत जी सवाल यहाँ ये है जो कि आज जो देश की स्थिति बन रही है जी सर, आज जो दिल्ली प्रदेश की स्थिति बन रही है जी, उसमें एक युवा निगम पार्षद के रूप में
आपने क्या सोचा है जो किस तरीके से आप दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले जेनरेशन को एक बेहतरीन दिल्ली देने के लिए आपने क्या कोई योजना बनाई है? 17 दिसंबर को जो है हमने अपने एरिया का कमान संभाल लिया था, जब 5 दिसंबर को हमारी जीत हुई थी, 17 दिसंबर को ऑफिशियली हमने सारे ऑफिसर से मिलना शुरू कर दिया था। 17 दिसंबर से लेके अभी तक के जितने भी कार्य किए गए हैं उन सब की मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके पास। जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, तो 17 दिसंबर से आज तक में सिर्फ हॉर्टिकल्चर के 404 काम हो चुके हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास वर्क्स की। ये जो है ये वर्क डिपार्टमेंट है जो मरम्मत वगैरह करता है, मरम्मत वगैरह के, सड़क की मरम्मत, इधर उधर की मरम्मत के 275 काम हुए हैं। और ये है सैनिटेशन का, सैनिटेशन का जो है सबसे ज़्यादा जो गंदगी हटाने का काम है उसमें 392 काम हो चुके हैं। ये जो है ये हमारे ऑन रिकॉर्ड है, जो मतलब कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं उनको हमने टोटल रिजॉल्व किया है। और हमारा ये मोटिव है कि 24 घंटे से ज़्यादा हम किसी भी कंप्लेंट को टिकने नहीं देते। अगर वो जैसे मेरे क्षेत्रफल की नहीं है, अगर वो MLA साहब के अंडर आती है, उस कंप्लेंट की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है। बट जितने भी डिपार्टमेंट MCD के अंडर आते हैं हम 24 घंटे से ज़्यादा उस कंप्लेंट को टिकने नहीं देते। हमारा ऑफिस सुबह 8:30 बजे खुलता है, 5 बजे तक ऑन रहता है। बहुत विस्तार से आपने बताया कि आपने इतने सारे काम 6 महीने के अंदर में, अगर आप जनता की आवाज़ बन रहे हैं, जनता की समस्या आपको सुन रहे हैं और उसका निदान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे पुनीत जी, जो कि आप चूंकि इस क्षेत्र के बारे में, ये क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ की जनता ने आपको चुनी है, यह क्षेत्र जो है सो भाजपा और संघ का गढ़ रहा है जी सर, और उसके बाद एक बार बड़े मुश्किल से यहाँ निगम पार्षद कांग्रेस की चुनी गई 2009 जी। उसके बाद से फिर भाजपा का जो है सो निगम पार्षद यहाँ रहा जी। ऐसे में जब आप निगम पार्षद के रूप में चुने गए हैं तो आपको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा यहाँ पर काम कर रही होती तो यहाँ की जनता मुझे ना चुनती। भाजपा ने काम नहीं किया और आम आदमी ने काम करके दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया स्टेट के अंदर। तो इस चीज़ को लेके सीधा सीधा जो एक गढ़ है रमेश नगर, जो गढ़ माना जाता है, मोती नगर विधानसभा एक टाइम पर कहा जाता था कि यहाँ से किसी को भी भाजपा से खड़ा कर दोगे तो वो हार नहीं सकता। आज वो गढ़ टूट चुका है और लोगों को समझ आ रहा है, लोग अब शिक्षित हो गए हैं, लोगों को सब कुछ दिखता है कि कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है। अब मेरे लिए देखिए सर, मेरे लिए ना तो अब कोई भाजपा का है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। मेरे लिए जितने भी मेरे वार्ड के वासी हैं सब मेरे अपने हैं। जो काम लेके आता है, जिसको जो दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले वो पूरी करता हूँ। सवाल चाहे आप आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, सवाल ये है जो एक निगम पार्षद के रूप में अगर यहाँ की मतदाताओं ने आपको चुना है जी सर, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के नीति से प्रभावित होकर करके आपको चुना जी सर। आपका कोई योगदान नहीं था इस चुनाव से पहले आम आदमी जिसके कारण आपको चुन लिया? बिल्कुल। अब आपको यह दिखाना है जो कि आप इस क्षेत्र के जनता के लिए कितना काम करते हैं, कितना उनके विश्वास पर खराब उतर। बिल्कुल सही सर। आप चूंकि बड़े ही स्पष्ट रूप से सभी बातों को रख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस नेशनल TV चैनल के माध्यम से पूरे देश में देखें और जाने, जो कि एक युवा निगम पार्षद दिल्ली का, वो भी एक ऐसे निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है जो कि यह क्षेत्र जो है सो VIP क्षेत्र है। यहाँ मदन लाल खुराना भाजपा से MLA रहे, मुख्यमंत्री रहे, बाद में राजस्थान के गवर्नर बनकर करके गए, केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ से कांग्रेस के जगदीश टाइटलर सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, यहाँ से अजय माकन कांग्रेस के मंत्री रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कई बार, और अभी जो यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मीनाक्षी लेखी, अभी भी सेंट्रल में वो मिनिस्टर है। मतलब यह क्षेत्र जो है सो VIP क्षेत्र कहा जाता है पूरे मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को, और उसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का यह एक
पार्ट है रमेश नगर जी सर। लेकिन इस क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं मैं नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी सर। जो आप ये बताएं कि जो लगातार हम उस मुद्दे पर बाद में जाएंगे जो विवाद का मुद्दा है, हम पहले इस मुद्दे पर आवे विकास के मुद्दे पर जी। जो अतिक्रमण की मार से यह क्षेत्र करा रहा है जी, तो अतिक्रमण के खिलाफ आप की क्या योजना है? सर अतिक्रमण जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ हमारी पार्टी लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। हम किसी भी तरह का अतिक्रमण अपने एरिया में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी तरह का अतिक्रमण होने देंगे। मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण हमारे एरिया में ना हो। इसके लिए मैं टाइम टू टाइम जितने भी स्टेप्स ले सकता हूँ मैं सारे के सारे लेता हूँ सर। हमने आपसे यह सवाल इसलिए पूछा जो अभी अभी आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है सो चर्चा में आया, जो यहाँ सबसे बड़ा पार्क है डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने में गुरु तेग बहादुर पार्क जो डीडीए की जी, पार्क है, वह पार्क दिनों दिन सिकुड़ती चली जा रही है और उस पर अतिक्रमण होता चला जा रहा है। वहीं पर एक झुग्गी जो बना हुआ था और एक गरीब व्यक्ति वहां बरसों से रह रहे थे, उसको बिजली का मीटर भी लगा हुआ था, लाइन भी था और उसी के बगल में कई अन्य अवैध निर्माण भी हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड पर हैं। लेकिन उस गरीब की झुग्गी को तोड़ दिया गया आपके डिपार्टमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा, लेकिन उन बिल्डिंगों के खिलाफ जो कि अवैध रूप से कब्जा कर करके बनाए गए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं ये है D14 सरस्वती गार्डन, इसके आगे एक झुग्गी बनी हुई थी। इस व्यक्ति ने क्या किया है, D14 सरस्वती गार्डन जो है वो एक बैक लेन के ऊपर बनाया गया है, उसने पूरी गली घेर के उसके ऊपर अपना प्लॉट खड़ा कर दिया और कुछ मैनिपुलेशन करके अपर लेवल से उसने इस झुग्गी को, क्योंकि झुग्गी भी सरकारी लाइन पे थी, झुग्गी कोई लीगल तो थी नहीं वहां पर, तो उसने इस झुग्गी को तोड़ने का ऑर्डर करा दिया। मैं वहां पर खड़ा होके इसको रोकने की बहुत कोशिश की मगर मुझे अल्टीमेटली कीर्तिनगर थाने में अरेस्ट कर लिया गया। और जब मुझे अरेस्ट किया तो मेरे को और मेरे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को वहां पे ले जाया गया और पीछे से झुग्गी को डिमोलिश कर दिया गया। इसके लिए मैंने इमीडिएटली DC को लेटर लिखी कि ये जो D14 है इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए विद प्रूफ। मैंने उनको लिखा है कि नक्शे की कॉपी साथ में लगा के दिया है कि नक्शे में क्लियरली मेंशन है कि वो एक गली है जहां इस आदमी ने घर बनाया हुआ है, मगर अभी तक DC साहब से मुझे कोई रिप्लाई आ नहीं रहा। मैं वेट कर रहा हूं कि पिछले एक महीने से मैं रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूं मगर अभी तक की ना तो बिल्डिंग बुक की गई है। वर्क्स के एक्सियन को भी मैं चिट्ठी लिख चुका हूं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि ये एक जगह को अवैध तरीके से घेरा गया है तो इसमें वर्क्स का भी रोल होता है। वर्क्स के एक्सियन ने भी अभी तक किसी तरह की कोई वो नहीं लिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 30 दिन में मैं इस बिल्डिंग को बुक कराकर इस पर एक्शन करवा दूं। पुनीत जी, चूंकि आप एक युवा हैं और अरविंद केजरीवाल जी का एकदम साफ शब्द में कहना है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और दिल्ली को बेहतरीन बनाना है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया और उसकी खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, उसके दो दो मंत्री जेल में है। ऐसी स्थिति में कल आपके क्षेत्र में मेयर और मोतीनगर का दौरा हुआ था, इसी मोतीनगर विधानसभा के दूसरे निगम क्षेत्र में, तो वहाँ भी ढेर सारे ऐसे मुद्दे अतिक्रमण के DC के सामने में भी लाए गए और ये हुआ। तो अगर DC द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सही ढंग से तो आप या आपके निगम पार्षद इस मसले को लेकर के मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जा रहे? आपने पीछे कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एक ऑर्डिनेंस जो भाजपा ले आई थी कि किसी भी सरकारी अफसर को हटाने की ताकत जो है वो सेंटर के पास रहेगी, वो स्टेट के पास नहीं है। इसी चीज़ को लेके हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जब तक पावर हटाने की हमारे पास नहीं आएगी तब तक अफसर हमसे नहीं डरेगा। अफसर को जब तक ये पता नहीं होगा कि अगर मैं आज काम नहीं करूंगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। इसी चीज को लेके हम कहते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस बिल लेके आ रहे हैं, जो अभी लोकसभा में कल इन्होंने पास भी करवा लिया और आगे राज्यसभा में लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात सर, अभी पीछे कुछ टाइम पहले मैंने
और मेरे पूरे करोल बाग जोन के 11 पार्षदों ने मिल के डीसी साहब के ऑफिस के बाहर धरना दिया, और उसके बाद हमने मेयर ऑफिस के बाहर बैठ के भी डीसी साहब को बुलाया वहाँ पर। हम आपसे अभी बात कर रहे हैं सिर्फ नालों पर अतिक्रमण, जैसे ये झुग्गी का अतिक्रमण था तो उससे खाली कराया गया, लेकिन उसके बगल में जो है पक्के मकान का जो है सो कई मंजिल द्वारा किए गए अतिक्रमण को जो है सो छोड़ दिया गया। डीडीए की और लैंड जो है उसे खाली नहीं कराया गया, उस पर भी अतिक्रमण। तो अभी 6 महीना ही आपका हुआ है, आपको अभी पूरी जानकारी भी नहीं होगी क्योंकि 5 साल तो सीखने में लग जाता है, लेकिन आपका चूँकि पारिवारिक राजनीतिक रहा है तो इसलिए आपके पास जल्दी सारी बातें पहुंच रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं जो कि डीसी है, वर्ष डिपार्टमेंट है, जेई है, एई है, कि सबसे पहले मुद्दा देखिए सफाई जी बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी वार्ड के लिए, स्वास्थ्य किसी भी वार्ड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा किसी भी वार्ड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, और ये जो लिंटर और भ्रष्टाचार और इसका जो यह खेल है जी, ये तो नगर निगम का मतलब ही यही है। अगर नगर निगम में यह लिंटरों का खेल ना हो तो कोई निगम पार्षद बने ही नहीं। हम इसलिए इस पर बाद में आपसे बात करेंगे, हम अभी चलेंगे ब्रेक पर, अभी समय है एक ब्रेक का, आप कहीं जाए नहीं, एक छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे युवा निगम पार्षद पुनीत राय से। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, fulfilling promises with our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले युवा निगम पार्षद वार्ड 91 रमेश नगर के पुनीत राय से काफ़ी मुद्दे पर चर्चा हुई, उन्होंने आपको बताया, आपने सुना जो किस प्रकार से वे लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब हम जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं और हम जो सवाल पूछेंगे, इससे निश्चित रूप से पुनीत राय के अंदर एक आक्रोश उभरेगा, क्योंकि मीडिया से जो है टकराहट की स्थिति यही होती है, और वो मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। जब कहीं भी भ्रष्टाचार का सवाल उठे और भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया जाए तो मीडिया बुरा हो जाता है, और मीडिया जब खामोश हो जाए, मीडिया जब जी हजूरी करे तो मीडिया बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम मीडिया के उच्च सिद्धांतों पर चलते हुए, पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए, अब तक पत्रकारिता के जिस सिद्धांत पर चलते हुए, ना काओ से दोस्ती ना काओ से बैर, सत्यमेव जयते के पथ पर चलने का प्रयास किया, इसीलिए मेरा नैतिक जिम्मेवारी बनता है जो मैं पुनीत राय से भी यह सवाल पूछूं कि दिल्ली नगर निगम से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगी। एक बात आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने वार्ड को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार अपने एरिया में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मैं 100% हूँ। सिर्फ मुझे आकर एक कंप्लेन दे दीजिए, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ सर कि मैं किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह की कोई घूसबाजी, किसी तरह का MCD का कोई भी भ्रष्टाचार मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला अपने एरिया में। इसके लिए हमने DC साहब के बाहर बैठकर पूरे दिन का धरना दिया था, यही हमारा मुद्दा था। पटेल नगर वार्ड के अंदर कुछ वहां के JE और AO ने मिलकर अवैध बिल्डिंग बना दी थी और वहां से पैसे लिए थे, तो हमने अपने साथी अंकुश नारंग का साथ देते हुए पूरे वार्ड ने जो है DC साहब के सामने धरना दिया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो कोई भ्रष्टाचार मेरे एरिया में चलेगा और ना मैं किसी अफसर को करने दूंगा। पुनीत जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, वो भी नेशनल मीडिया के सामने में कह रहे हैं, जो कि आप अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे जी। और ये तो एक ऐसा मसला है जो कि ये रुक ही नहीं रहा, लगातार इसके लिए भाजपा जब सत्ता में थी 15 वर्षों तक,
तो वह बार बार यह कहती रही, कई बार अपने निगम पार्षदों को उसने बदल दिया, नए के नए निगम पार्षद लेकर के आए और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करी, और मेयर से लेकर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हाउस लीडर, ये सारे के सारे मीडिया के सामने में, कैमरा के सामने में इस बात को कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। और डीआईडी न्यूज ने इस मुद्दे को चलाया, लेकिन जब भ्रष्टाचार नहीं रुका, भ्रष्टाचार चलता रहा, अवैध निर्माण होते रहे, अतिक्रमण होते रहे, तो मीडिया ने इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय तक, एलजी कार्यालय तक सब जगह पहुंचाने का काम किया। अब पुनीत जी, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक युवा निगम पार्षद हैं, पहली बार चुन कर करके आए हैं, और यह एक माफियाओं का संगठन है जिसमें बिल्डर भी हैं, जिसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने वाले भी हैं, जिसमें लैंड माफिया भी हैं, सब मिल कर करके एक संगठित अपराध के रूप में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का काम यहाँ दिल्ली में, पूरे दिल्ली में ही चल रहा है, और आपके क्षेत्र में भी रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, कीर्ति नगर, आपके सरस्वती गार्डन, शारदापुरी, इन सब इलाकों में चल रहा है और पीछे भी चलता रहा है। यहाँ तक कि एक डीसी दीपक पुरोहित ने तो एक बिल्डिंग के ऊपर जो ऐसो बजाबता FIR तक कीर्ति नगर थाना में दर्ज करवाया था अवैध निर्माण का, लेकिन वो बिल्डिंग आज भी खड़ी है। और आपके विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, शिवचरण गोयल, उन्होंने इसके संदर्भ में लिख कर करके भी और कई नंबर के साथ लिख करके LG से शिकायत किया। तो यह सिलसिला लगातार चल रहा है, इसे आप कैसे रोक पाएंगे? जो हमारी सरकार आई है ना MCD के अंदर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है MCD के अंदर, वो एक बदलाव लाने के लिए आई है। अगर हमने बदलाव स्टेट में, दिल्ली स्टेट में ना किया होता, तो हम दूसरी तीसरी बार चुन के दिल्ली में ना आए गए होते। अगर हमने दिल्ली स्टेट में ढंग का काम ना किया होता, तो हमें MCD में बाली ना दी जाती। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितनी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं, उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। जितनी चिट्ठियां मैंने लिखी होंगी अवैध निर्माण के अगेंस्ट या अतिक्रमण के अगेंस्ट DC साहब को, उतनी चिट्ठियां किसी भी वार्ड ने नहीं लिखी होंगी। मैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इस चीज को फॉलो भी करता हूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ कि कोई ना कोई अवैध, कुछ भी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में ना हो। अब जो कुछ बिल्डिंग जो मेरे आने से पहले बनी हुई है, जैसे कि जो बिल्डिंग आपने बताई जो छाबड़ा स्टोर के आगे, वो मेरे आने से, मेरे इलेक्ट होने से पहले बनी हुई है जी। उसी तरह एक DSIDC का मुद्दा पीछे बहुत गर्माया था, वो बिल्डिंग्स भी मेरे आने से पहले बनी हुई है, मगर DSIDC के बिल्डिंग के अंदर भी शो कॉज नोटिस हो चुका है, और मेरे हिसाब से कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर वहां पर डेमोलिशन का ऑर्डर आ जाएगा। उसी तरह आज भी हमने कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन जो है अपने डिपार्टमेंट से थोड़ी तोड़वाई है, पिछले हफ्ते भी डबल स्टोरी के अंदर जो अवैध कंस्ट्रक्शन थी वो तोड़वाई गई थी। तो जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन का जो ये धंधा माफिया ने खोला हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर मैं इसको पूरा बंद करवा। हाँ, ये आप जो रमेश नगर की चर्चा कर रहे थे, रमेश नगर का जो मसला था वो मामला हाई कोर्ट में था जी सर, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो है सो XCN कुमार महिंद्रा ने उसे एफिडेविट फाइल किया था हाई कोर्ट में, और उसी के आधार पे एक्शन किया गया। करेक्ट सर। जहाँ तक मसला है, DSIDC के सामने में एक प्लॉट है 2000 गज का जी सर, प्लॉट है 2/96 जी सर, दो ब्लॉक में। अब वहाँ जो है सो ये निर्माण हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पे निर्माण होते जा रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यार आप बता रहे हैं जो कि पूरे पर जो है सो बुकिंग की कार्रवाई चल रही है जी सर, अब देखते हैं जो ये कब तक होता है या इसी प्रकार से खानापूर्ति होकर करके रहे। सर हमारे एरिया में खानापूर्ति नहीं होगी, बुकिंग के बाद शो कॉज नोटिस होगा, शो कॉज नोटिस में वो बताएंगे या तो वो खुद तोड़ दें, वो तो बता डेमोलिशन कर दें, वो तो बता चुके 25 तारीख है उनका, पिछले महीने के 25 तारीख को जी उनको जो है सो DC ने बुलाया था जी सर, और 25 जुलाई का डेट खत्म हो गया जी, तो उसके बाद अब तक तो कोई कार्रवाई हुई सर, किसी भी दिन इसकी कार्रवाई पूरी हो सकती है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी दिन DSIDC का कोई भी ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि जो आप 2000 गज कह रहे हैं सर, वो 2000 गज नहीं, वो पूरा 6000 गज है, वो वैसी 6 बिल्डिंग है,
अच्छा जी, वो 6000 गज की कुछ 6-7 बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो उन सबको शो कॉज नोटिस आया हुआ सर डीसी साहब। पुनीत जी देखिए, सवाल ये उठता है जो कि एक जगह एक्शन हो जी और दूसरे जगह एक्शन ना हो, सर ऐसे पैकेट जूस थोड़ा होगा। एक जगह एक्शन होगा तो दूसरी जगह जो जो गलत होगा सर सब पे एक्शन होगा। यहाँ पे पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये मतलब कानून का शासन, कानून का राज है सर, कानून सबके लिए, न्याय सबके लिए, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बराबर। अब चूंकि बात न्याय की हो गई, कानून की बात हो गई, तो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को जो है सो बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत न सिर्फ राहुल गांधी को मिली है बल्कि ये सभी दल जो मिल करके एक इंडिया बनाए हैं, तो इंडिया को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इस पर एक युवा निगम पार्षद के रूप में आपकी क्या सोच है? सर मेरी जो सोच वो ये है कि जो केस डेफोमेशन का केस था राहुल गांधी जी के ऊपर, आज तक की किसी भी उसमें डेफोमेशन के केस में किसी तरह की सजा नहीं हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं है। कोर्ट जो है, जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, उस पर आज भी हमको पूरा ट्रस्ट है और हमें पता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं है। ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया जब उन्होंने श्री राहुल गांधी जी को के अगेंस्ट जो एक्शन होने वाला था उसको रोक दिया, उसको स्टे दे दिया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी न्याय हमारे देश में है। मानहानि में सजा तो होती रही है, लेकिन किसी भी मानहानि के मामले में इस प्रकार का पूरे दो वर्ष का इस तरीके से वही वही बोल रहा हूं, ये सजा नहीं, ये सजा नहीं हुई, ये पहली बार। और जिस तरीके से किया गया, सजा के बाद उनसे मकान खाली करवाया गया, ये करवाया गया, यह एक गलत मैसेज गया। हम पढ़े लिखे लोग, हम देश की बात करें, कानून की बात करें, अच्छी भाषा की बात करें, संविधान के खिलाफ ना जाएं, संविधान का उल्लंघन ना करें। कानून में, संविधान में प्रत्येक नागरिक के अधिकार भी है, प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य भी। बिल्कुल सही बात है, और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार को भी समझना चाहिए और अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। लेकिन आजादी से लेकर करके अब तक 1947 से लेकर करके आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, अभी तक हमने अनुभव होता है कई मौके ऐसे आते हैं जो हम अपने अधिकार की बात तो करते हैं जी, लेकिन जब हमें अपने कर्तव्य निभाने की बात जाते आती है तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें भी जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें भी अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। अब हम विदा लेंगे, विदा लेने से पहले पुनीत जी हम आपसे कहेंगे जो कि आप इस देश के अपने वार्ड के निगम के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं अपने निगम के मतदाताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैं, मेरे लिए वार्ड के सारे व्यक्ति मेरी फैमिली की तरह हैं। कोई भी काम है प्लीज, मेरा फोन नंबर जो है वो इस टाइम सबके पास है, मैं नेशनल टीवी पे भी अपना फोन नंबर बता देता हूँ, 8595629148। कोई दिक्कत हो 24 घंटे के लिए मेरा फोन ऑन होता है, आप मुझे सीधा कॉन्टैक्ट करिए। 24 आवर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपने एरिया की जो समस्या है उसको हल कर दिया जाए। और एक जो मुख्य बात है, कोई भी अगर आपसे किसी भी तरह की घूस मांगने की कोशिश कर रहा है, कोई सरकारी अफसर, कोई एमसीडी का अफसर, तो कृपया करके वो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि जब तक कंप्लेंट्स मेरे पास नहीं आएंगी तब तक मैं उनका निवारण नहीं कर सकता सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। ये थे पुनीत राय, युवा निगम पार्षद, रमेश नगर, वार्ड नंबर 91। हम अब आपसे विदा लेते हैं, आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम